तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है वो आपका वेन डायग्राम, यानी कि दोस्तों इसको कहते हैं आपका वेन आरेख। ये जो दोस्तों आपको पता हुआ रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों टॉपिक है, जिसमें आपका एक होता है आपका ये वेन डायग्राम जो होता है, वो भी दोस्तों आपका दो टाइप का होता है। एक होता है आपका लॉजिकल वेन डायग्राम और एक होता है दोस्तों आपका डाटा वेन डायग्राम। तो दोनों जो है दोस्तों क्या होते हैं, सभी का जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त जो है दोस्तों क्लास होने वाली है, तो क्लास को मिस जो है दोस्तों बिल्कुल ना करें। हालांकि दोस्तों आपको पता हुआ कि ये जो रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है भूमिका जो है दोस्तों आता है, और जिसका जो है दोस्तों आपका एक या फिर जो है दोस्तों दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में जो है दोस्तों देखने के लिए मिल जाते हैं। तो बिल्कुल जो है दोस्तों हम इसको बेसिक से जो है दोस्तों डीपली से पढ़ लेते हैं। तो ये जो है दोस्तों आपका वेन डायग्राम जो है दोस्तों आखिर होता है कि क्या क्या होता है और कैसे कैसे जो है दोस्तों इसके क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो है दोस्तों आपका होता है आपका टॉपिक वेन डायग्राम, यानी कि दोस्तों ये जो आपका टॉपिक जो है वो आपका वेन डायग्राम, ये जो है दोस्तों आपका वेन डायग्राम, ये जो है दोस्तों आपका टॉपिक है वेन डायग्राम, जिसको दोस्तों आप कहते हैं वेन आरेख। ये जो है दोस्तों आपका वेन आरेख, ये जो है दोस्तों आपका वेन आरेख जो टॉपिक है बहुत ही जो है दोस्तों ये दो टाइप का होता है, यानी कि दोस्तों आपका एक होता है दोस्तों आपको इसको कहें वेन डायग्राम को, तो एक तो होता है दोस्तों आपका वो होता है आपका लॉजिकल वेन डायग्राम, यानी कि दोस्तों आपका लॉजिकल लॉजिकल वेन डायग्राम होता है। ये जो है दोस्तों आपका लॉजिकल वेन डायग्राम, और एक जो दोस्तों दूसरा जो होता है वो होता है आपका डाटा वेन डायग्राम। ये जो डाटा वेन डायग्राम, जिसको दोस्तों ये जो लॉजिकल वेन डायग्राम होता है दोस्तों इसको कहते हैं आपका तार्किक वेन आरेख, यानी दोस्तों आपका तार्किक वेन आरेख। और ये जो होता है दोस्तों आपका डाटा वेन डायग्राम, इसको कहते हैं दोस्तों आपका आंकड़े, ये जो दोस्तों आंकड़े वेन डायग्राम वेन आरेख। दोनों ही जो है दोस्तों क्या होते हैं, दोनों भी जो है दोस्तों आपको पता होगा कि दोनों से क्वेश्चन जो है दोस्तों आते हैं। लॉजिकल वेन डायग्राम क्या होता है दोस्तों, ये जो आपका तार्किक वेन आरेख होता है, जिसमें आपको तीन जो आपको सर्कल्स दिए हुए होंगे, यानी कि दोस्तों आपको वृत्त, यानी कि दोस्तों आप कह सकते हैं ऐसे जो है दोस्तों आपको तीन जो है दोस्तों आपको पहले जो है दोस्तों कोई भी दिया हुआ होगा, हो सकता है दोस्तों आपका, हो सकता है आपका जयपुर, उसके बाद आपका राजस्थान, उसके बाद जो है दोस्तों हो सकता है आपका भारत। तो दोस्तों इसमें आपको कंडीशन क्या बनती है, यानी कि दोस्तों पहले आपको जाना हुआ, यानी कि दोस्तों ये आपका जयपुर हो गया, उसके अलावा दोस्तों ये जो आपका हो गया वो हो गया आपका राजस्थान, उसके अलावा ये जो दोस्तों पूरा देश हो गया भारत, यानी कि दोस्तों ऐसे जो आपको क्वेश्चन जो दोस्तों बताने होते हैं कि कौन जो दोस्तों किससे रिलेशन है। और ठीक उसी प्रकार क्या होता है जो आपका होता है वेन डायग्राम, आपका डाटा वेन डायग्राम, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपकी जो भी ज्यामितीय आकृति होती है, चाहे आपका वो वृत्त हो या फिर आपका वर्ग हो, त्रिभुज हो या फिर आयत हो, तो दोस्तों सभी आकृतियों को मिलाकर उनमें कुछ डाटा जो है ऐड किए जाते हैं, उसके बाद जो उनका नाम दिया जाता है कि ये जो आपका ये ट्रायंगल जो है दोस्तों आपका डिनोट करता है आपका डॉक्टर को, आपका स्क्वायर डिनोट करता है आपका वकील को, यानी ऐसे जो दोस्तों दिए जाते हैं। तो उसका भी जो है एग्जांपल जो दोस्तों मैं देकर बता देता हूँ, यानी कि दोस्तों आपकी जो भी आपकी ज्यामितीय आकृति होती है दोस्तों, वो आपकी चाहे आपका ट्रायंगल हो, चाहे दोस्तों आपका आपका स्क्वायर हो, उसके बाद चाहे दोस्तों आपका सर्किल हो, उसके बाद चाहे दोस्तों आपका रेक्टेंगल हो, यानी सभी जो आपकी आकृतियां बनती है सभी को जो दोस्तों आपस में जोड़ दिया जाता है, मिला दिया जाता है, उसके बाद इनमें कुछ डाटा जो है लिख दिए जाते हैं। जैसे आपकी वो डाटा जो दोस्तों चाहे आपके अल्फाबेट हो सकते हैं, चाहे दोस्तों आपके नंबर हो सकते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, आज की जो क्लास है वो है दोस्तों आपकी डाटा डेटा जो वेन डायग्राम है उसकी। तो बिल्कुल जो दोस्तों मैं इसको हटा देता हूँ, और डेटा वेन डायग्राम के जो है दोस्तों क्वेश्चन होते हैं वो कैसे बनते हैं सभी जो है दोस्तों मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये जो है दोस्तों मैं हटा देता हूँ, तो ये जो है दोस्तों आपका वो आपका आपका कह सकते हैं दोस्तों इसको डेटा वेन डायग्राम, ये जो दोस्तों जिसको कहते हैं आपके आंकड़े आंकड़े वेन आरेख, ये जो आपके आंकड़े वेन आरेख, इसमें जो दोस्तों क्वेश्चन जो है कैसे होते हैं, यानी कि दोस्तों एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर जो दोस्तों लिख देता हूँ कि कोई भी जो दोस्तों आपका ट्रायंगल है ऐसे, ये जो दोस्तों आपका कोई भी त्रिभुज है उसमें जो दोस्तों आपका कोई भी जो दोस्तों आपका वृत्त जो आपका वर्ग जो दोस्तों ऐसे डला हुआ है, यानी कि ये जो दोस्तों आपका वर्ग,
उसके बाद ठीक है, इसी में जो है दोस्तों आपका ऐसे जो है दोस्तों करके आपका कोई भी जो आपका स्क्वायर जो है डला हुआ है, आपका सर्कल जो है दोस्तों डला हुआ है, जैसे कि दोस्तों आपको ये दिख रहा है, ये जो है दोस्तों आपकी ऐसी फिगर बनती है। ठीक उसी प्रकार इसमें कुछ नंबर जो है दोस्तों ऐड हो सकते हैं, यानी कि दोस्तों आपका 1, 3, 5, 7 और आपका 9 और आपका 11 दोस्तों, ऐसे जो आपके इसमें नंबर जो ऐड हुए मिलेंगे आपको, ये जो दोस्तों दिख रहे हैं इसको डिनोट करेगा, यानी कि दोस्तों ये जो आपका डिनोट करता है आपका डॉक्टर को, उसके बाद ये जो आपका डिनोट करता है आपका वकील को, उसके बाद ये जो आपका सर्कल जो है दोस्तों वो डिनोट करता है आपका शिक्षक को, ये जो है दोस्तों आपके शिक्षक को डिनोट करता है। अब जो है दोस्तों आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आपको जो पूछेगा कि बताइए कि ऐसे कितने शिक्षक हैं जो कि दोस्तों आपके ना डॉक्टर हैं ना वकील हैं, उसके बाद ना ऐसे आपको कितने वकील हैं जो कि दोस्तों आपके डॉक्टर तो हैं ना वो आपके शिक्षक नहीं है, तो ऐसे जो आपसे पूछ लेगा। आप जो है दोस्तों मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिख के जो है दोस्तों आपको बता देता हूँ। एक बात जो है दोस्तों आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो आपका सर्कल का एरिया है तो इसमें आपके शिक्षक, ये जो सभी जो सर्कल में जो दोस्तों आपके शिक्षक हैं, उसके बाद जो आपका स्क्वायर है यानी कि वर्ग है तो इसमें सभी जो है दोस्तों आपके नंबर है, सभी डाटा है वो आपके वर्ग के हैं। उसके अलावा ये जो आपका डॉक्टर का ये जो आपका एरिया है आपका ट्रायंगल, तो इसमें सभी जो आपके डॉक्टर है। और अब इसमें जो है दोस्तों आपके क्वेश्चन जो क्या बनते हैं वो भी जो है दोस्तों मैं लिख देता हूँ, यानी कि दोस्तों आपसे पूछेगा कि बताइए कि ऐसे कितने जो है दोस्तों आपके ऐसे कितने डॉक्टर हैं, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कि आपके ना तो वकील है ना ही दोस्तों आपके शिक्षक हैं, ये जो है दोस्तों आपका क्वेश्चन है। यानी कि दोस्तों आपसे इसमें जो आपका वकील का एरिया आ रहा है तो उसकी भी जो दोस्तों मना कर रहा है, उसके बाद आपका शिक्षक का एरिया आ रहा है उसकी जो दोस्तों मना कर रहा है, तो आपको आपको डॉक्टर का जो दोस्तों एरिया है वो है देखना है, उसमें भी जो दोस्तों ये आपका वकील वाला एरिया नहीं लेना है और ना आपको शिक्षक वाला। तो दोस्तों इसमें आपको ये जो आपका पूरा जो आपका ट्रायंगल में जो दोस्तों आपका डॉक्टर है तो इसमें आपको जो इसको भी नहीं ले सकते, उसके बाद ये स्क्वायर है इसको भी नहीं ले सकते, तो एक संख्या जो बच रही है वो संख्या बच रही है दोस्तों 5, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका 5 होगा। उसके अलावा दोस्तों और भी जो दोस्तों क्वेश्चन हो सकता है कि बताइए कि ऐसे कितने जो दोस्तों ऐसे कितने शिक्षक हैं, ऐसे कितने शिक्षक हैं जो कि आपके वकील हैं लेकिन डॉक्टर नहीं, ऐसे कितने वकील हैं जो कि दोस्तों ऐसे कितने शिक्षक हैं जो कि वकील हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है, जो दोस्तों आपका क्वेश्चन है। तो हमको जो इसमें क्या करना हुआ कि दोस्तों आपका ये जो पूछा है आपको कि बताइए ऐसे कितने इसमें जो शिक्षक हैं, ये जो आपका पूरा सर्कल है वो आपका शिक्षक का है, तो इसमें ऐसे कितने जो शिक्षक हैं जो कि वकील तो है, यानी ये जो आपका आपका स्क्वायर है इसमें कि वकील तो है लेकिन जो दोस्तों आपके डॉक्टर की जो दोस्तों मना कर रहा है, तो ये ट्रायंगल है पूरा तो इसमें डॉक्टर का जो दोस्तों एरिया आ रहा है तो डॉक्टर की जो मना कर रहा है, तो ये तो आपका बिल्कुल ही जो दोस्तों आपका ट्रायंगल बिल्कुल ही जो दोस्तों हट जाएगा इसका जो दोस्तों मना कर रहा है। तो इसमें आपको देखना हुआ कि ऐसा कौन सा नंबर है जो कि दोस्तों इसमें आपका शिक्षक भी आ रहा है और आपका वकील भी आ रहा है, तो जो एक ही नंबर बच रहा है जो है दोस्तों आपका 9 जो कि आपको दोस्तों दिख रहा है, ये जो 9 है तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, वो आपका 9 होगा, ये जो दोस्तों आपको पता चल गया। अब को क्या होता है कि दोस्तों आपका एक दो क्वेश्चन और भी जो है दोस्तों बनते हैं, तो ऐसे जो है दोस्तों आपको इनमें जो है दोस्तों आपको एक ही बात ध्यान रखना होता है कि जो भी जिसका एरिया है तो जिसका मना कर रहा है तो आपको कंप्लीट पूरा ही जो है दोस्तों हटाना होगा, उसके बाद जो है दोस्तों आपको ध्यान लगाना होगा। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ पर जो है दोस्तों लिख देता हूँ जब तक उसको हटा देता हूँ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर जो दोस्तों दिख रहा हुआ है, ये जो दोस्तों आपका क्वेश्चन है और इसमें जो दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है, ये जो आपको दोस्तों एक स्क्वायर है, एक आपका सर्कल है, उसके बाद एक जो आपका ट्रायंगल है, तो इसमें जो दोस्तों आपका क्या होता है, इनमें जो आपको डाटा जो है दोस्तों दिए गए हैं, डाटा जो है दोस्तों वो आपके नंबर नहीं है, वो आपके अल्फाबेट। तो इनमें जो दोस्तों क्या होता है कि आपसे जो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि बताइए कि ऐसे कितने लेखक हैं जो अध्यापक हैं परंतु संगीतकार नहीं, यानी जो दोस्तों ये जो आपका ट्रायंगल है दोस्तों वो आपका अध्यापक का, ये जो सर्कल है वो आपका संगीतकार का, ये जो आपका स्क्वायर है दोस्तों वो आपका लेखक का। तो क्वेश्चन जो है दोस्तों क्या है कि बताइए ऐसे कितने लेखक हैं जो कि दोस्तों आपके अध्यापक हैं परंतु संगीतकार नहीं है, तो दोस्तों ये संगीतकार का ऑप्शन है, तो दोस्तों संगीतकार का ऑप्शन तो दोस्तों आपका बिल्कुल जो है सर्कल तो हट जाएगा, जब संगीतकार का जो है दोस्तों मना कर रहा है तो ये तो दोस्तों कंप्लीटली हट जाएगा। तो इसमें जो है दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि ऐसे कितने लेखक हैं जो अध्यापक हैं, यानी ये जो ट्रायंगल है तो दोस्तों इसमें जो है अध्यापक हैं परंतु जो है दोस्तों आपके
किसकी मना कर रहा है कि संगीतकार नहीं है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, ये जो एक ही ऑप्शन है जो कि ऐप जो कि दोस्तों आपका लेखक भी है उसके बाद आपका अध्यापक भी है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका ऐप। उसके बाद जो है दोस्तों आपका सेकंड क्वेश्चन जो है दोस्तों क्या कहता है कि बताइए कि ऐसे कितने अध्यापक हैं जो कि दोस्तों आपका लेखक और संगीतकार दोनों हैं, यानी कि बताइए कि ऐसे जो है दोस्तों आपके कितने जो दोस्तों जो अध्यापक का ट्रायंगल है, तो दोस्तों ये बताइए कि इसमें ऐसे कितने अध्यापक हैं जो कि दोस्तों आपके संगीतकार भी होना चाहिए और उसको लेखक भी होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं तो दोस्तों ये ना तो ये जो आपका ए बन रहा है क्योंकि इसमें आपका लेखक जो है नहीं आ रहा है, उसके बाद ऐप नहीं बन रहा है क्योंकि इसमें संगीतकार नहीं आ रहा है, और ये जो है दोस्तों तो इसमें दोनों नहीं आ रहा है, तो एक जो ऑप्शन जो बीच में बच रहा है वो है दोस्तों आपका डी, जो कि दोस्तों आपका डी आपका लेखक भी है उसके बाद आपका संगीतकार भी है उसके बाद आपका अध्यापक भी है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका डी। तो ऐसे जो है इसमें क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको बिल्कुल जो है दोस्तों पता चलेगा कि इसमें आपके किस टाइप के जो है दोस्तों क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद हमको इनको कैसे जो करना होता है। तो दोस्तों एक एग्जांपल और जो है दोस्तों मैं यहाँ पर लिखकर आपको बता देता हूँ कि तो दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपको जो है दोस्तों ये दिख रहा हुआ है जो है दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन है, तो इसमें दोस्तों क्या हुआ है क्या है कि दोस्तों आपका ये ग्रामीण का है, उसके बाद ये जो है आपका शहरी का है, और ये जो दोस्तों सर्कल जो है दोस्तों आपका वृहत बेरोजगार का है। तो हमको जो है दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि बताइए कि ऐसे कितने बेरोजगार हैं कि दोस्तों अब वो आपके ग्रामीण हैं और शहरी, यानी कि दोनों हैं, यानी ऐसे कितने जो है बेरोजगार हैं जो कि आपके ग्रामीण भी हैं और आपके शहरी भी हैं। उसके अलावा दोस्तों आपका सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका कि बताइए कि ऐसे कितने शहरी हैं जो कि आपके ग्रामीण हैं परंतु बेरोजगार नहीं। तो दोस्तों दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त हैं। तो दोस्तों पहले को हम देखते हैं कि ऐसे कितने आपके बेरोजगार हैं जो कि आपके ग्रामीण और शहरी दोनों हैं, यानी कि दोस्तों ये जो आपका पूरा सर्कल जो वृत्त दिख रहा है दोस्तों बेरोजगार का है, लेकिन इसमें एक बात बोली है कि ग्रामीण भी होना चाहिए और वो आपका शहरी भी होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें एक ही बेरोजगार है जो कि दोस्तों आपका दो, ये जो आपका दोस्तों ग्रामीण में भी आ रहा है, उसके बाद इसको देखे तो आपका ये जो आपका शहरी में भी आ रहा है, तो दोस्तों दोनों में आ रहा है वो आपका दो, तो इसका जो आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, वो आपका दो होगा। उसके अलावा दोस्तों आपका एक क्वेश्चन है कि दोस्तों बताइए कि ऐसे कितने शहरी हैं, ये जो है दोस्तों आपका ऑप्शन है आपका स्क्वायर जो है दोस्तों ये आपका शहरी का है, यानी ऐसे कितने शहरी हैं जो कि दोस्तों आपके ग्रामीण तो है परंतु बेरोजगार नहीं। तो दोस्तों बेरोजगार की जो मना कर रहा है तो बेरोजगार को जो है दोस्तों हम कम्प्लीटली दोस्तों पूरे को हटा देंगे। तो आपको जो है दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने शहरी हैं, तो दोस्तों ये जो आपका तीन है तो दोस्तों तीन तो बिल्कुल जो है दोस्तों गलत हो जाएगा क्योंकि ये शहरी है ही नहीं। तो दोस्तों ये जो बच रहा है वो आपका पांच, जो कि दोस्तों आपका ट्रायंगल में भी जो है दोस्तों आ रहा है, उसके बाद आपका स्क्वायर में भी आ रहा है, यानी कि दोस्तों ये जो आपका पांच एक ऐसा जो है दोस्तों आपका ऐसा जो है दोस्तों बंदा है कि जो कि आपका ग्रामीण भी है और उसके बाद आपका शहरी भी है लेकिन जो दोस्तों बेरोजगार नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, वो आपका पांच होगा। तो इस टाइप के जो है दोस्तों इसमें क्वेश्चन होते हैं, तो बिल्कुल जो है दोस्तों आपको पता चलेगा होगा कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और हमको जो है दोस्तों उनको कैसे जो है सॉल्व करना होता है। तो बिल्कुल जो है दोस्तों तीन दो से तीन एग्जांपल जो है दोस्तों मैं लेकर के बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है दोस्तों आपको बता दिया। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा कि ये जो दोस्तों आपका डेटा वेन डायग्राम जो दोस्तों टॉपिक होता है हम उसको कैसे जो है सॉल्व कर सकते हैं।